हमने भी केस दिया है, अभी तक एसपी उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ना बात कर रहे हैं ना केस दर्ज कर रहे हैं। और जो जबकि उसमें जो धारा लगाया अनाप शनाप धारा लगा दिया, अगर केस अगर हमारा दर्ज नहीं हुआ और ये लोग अगर इस तरीके से प्रभाव करके अगर अपना पावर का दुरुपयोग करेगा तो लोकतंत्र में मेरे पास भी अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का, और बहुत जल्दी बिहार में बीजेपी ऑफिस भी घेरा जाएगा और वीआईपी पार्टी की तरफ से। लालू जी हम लोगों को या हमारी पार्टी को गाली देने के अलावा एक उपलब्धि बता देना जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए क्या हो, तो एक काम गिना दीजिए आप, या जरूर आएंगे तो पूछिएगा कि क्या काम किए। दुरुपयोग जो किया जाता है उसको बंद करने की जरूरत है। तानाशाही जो हाईजैक कर लेता है, संस्था को जो बर्बाद करता है, ये नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि देखिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो है जाति रूप से राजनीति करना चाहते हैं, जिसका वोट प्रतिशत भी मात्र उनके पास 25% है। हमारे पास सभी जाति धर्म के लोग हैं और यह पार्टी सभी लोगों की पार्टी है, सिर्फ जो है राजद वो परिवार वालों की पार्टी है और किसी दूसरे हाथ में सत्ता नहीं दिया जा सकता। इसी को लेकर के जब सवाल किया गया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ मुकेश सहनी से भी सवाल किया गया है कि जिस तरीका से केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे, इस सवाल को लेकर के मुकेश सहनी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। बीजेपी के पास 20-25% तक वोट है और केवल वो अपने राजनीतिक पार्टी और किसी को लालू यादव बांटने आगे नहीं दे सकते। छोड़िए ना, और कोई बात है इनका, इनके बात का कोई मतलब है? अखिलेश यादव कोई ये लोग कोई काम के बारे में बात किया है? लालू जी हम लोगों को या हमारी पार्टी को गाली देने के अलावा एक उपलब्धि बता देना जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए क्या हो, तो एक काम गिना दीजिए आप, या जरूर आएंगे तो पूछिएगा कि क्या काम किए। अखिलेश यादव ईडी सीबीआई को बंद करने की बात कर रहे हैं कि ईडी सीबीआई की देश में जरूरत नहीं है, अखिलेश यादव ने डिमांड किया। जो दुरुपयोग जो किया जाता है उसको बंद करने की जरूरत है। तानाशाही जो हाईजैक कर लेता है, संस्था को जो बर्बाद करता है, ये नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए भाजपा के लोग मेरे जीरो पर उतरे, अपनी बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने चुनावी सभा में कहा है कि 30 साल के अंत तक 3 लाख नौकरी और 5 लाख रोजगार देंगे। हम ही लोग का प्रक्रिया थी रहे जो करके आए वही 3 लाख ना बोल रहे हैं। आप 300 सीट की बात कर रहे हैं, उनको तो पूरा देश के जनता उनके और सभी कार्यालय को ऊपर धरना प्रदर्शन करना चाहिए। आप बताइए बिहार में झूठ फैलाकर भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हमारे ज्वाइन किया और जिसके कारण हमने थोड़ा फिरकी लिया, उन्होंने केस दर्ज करा दिया हमारे ऊपर, और जब हमने कंप्लेन किया सेम डे में आज तक केस नहीं हो रहा है। तो ये सब पावर का दुरुपयोग कर रहा है, इनके पास सरकार है सिस्टम है, इसके कारण ये लोग पावर का दुरुपयोग कर रहा है। हमने भी केस दिया है, अभी तक एसपी उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ना बात कर रहे हैं ना केस दर्ज कर रहे हैं। और जो जबकि उसमें जो धारा लगाया अनाप शनाप धारा लगा दिया, तो ये सारे चीज़ें जो गलत कर रहा है ईडी सीबीआई ये सब का गलत उपयोग कर रहे हैं, तो इसके लेके धरना प्रदर्शन तो होना ही है आने वाला समय में। निश्चित तौर पर जो वहाँ पर हो रहा है वो बिहार में हम भी करेंगे, अगर केस अगर हमारा दर्ज नहीं हुआ और ये लोग अगर इस तरीके से प्रभाव करके अगर अपना पावर का दुरुपयोग करेगा तो लोकतंत्र में मेरे पास भी अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का, और बहुत जल्दी बिहार में बीजेपी ऑफिस भी घेरा जाएगा और वीआईपी पार्टी की तरफ से। लेकिन बीजेपी के लोग हैं लगातार देखिए उसके ऊपर सारा जो भी चीज़ें हैं अब वो हो रहा है, अब उसमें खुद जिनके तरफ से आप आरोप लगा रहे हैं वो खुद ही बोला कि इस पर राजनीति नहीं होना, वो लोग का इंटरनल पार्टी का मामला है, वो इंटरनल वो लोग देखेंगे, इस पर कोई राजनीति करने की कोई बात ही नहीं। जब वो स्वाति मनिवार ने खुद वो कह दिया कि इस पर राजनीति नहीं करना तो फिर इस पर क्या बात करना। लेकिन महिलाओं की बात आप लोग करते हैं सर, महिला निश्चित तौर पर महिला का सम्मान मिलना चाहिए, जो गलत किया उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया इसके लिए तो हम लोग कह रहे हैं ना, अगर गलती किया तो वो दोषी अगर है तो उनको सजा मिलना चाहिए, उनके ऊपर कानून जो है वो अपना कार्रवाई करे। तो आपने सुना किस तरीका से जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बरसते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि हम लोग भी बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे, लोकतंत्र है जिस तरीका से ये लोग जो है काम कर रहे हैं तो जरूर जो है बीजेपी कार्यालय का घेराव होना चाहिए। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए जिस तरीका से बात नीतीश कुमार रोजगार को लेकर के कर रहे हैं यह काम तो हम ही लोगों का है और अच्छी बात है। अमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार।
यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।